हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग आपकी एक कविता पढ़ेंगे, वो भी हिंदी में। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैंने आपके लिए इस कविता को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, बगल पे जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलना। तो बच्चों, हमारी आज की कविता का नाम है मन के भोले भाले बादल। ठीक है, चलो मेरे साथ साथ पढ़ो। बोलो, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से खुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। फिर कवि कहते हैं, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर क्या कहते कभी, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो ये थी आपकी कविता, और इसे लिखा है, किसने लिखा है, कल्पनाथ सिंह जी ने, कल्पनाथ सिंह जी। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, अब हम इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं कि कवि क्या कह रहे हैं बादलों के बारे में। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि बादल ऐसे लगते हैं जैसे मन के भोले भाले हैं, है ना। देखो कवि ने लिखा है, झब्बर झब्बर बालों वाले, झब्बर झब्बर बाल मतलब बड़े बड़े बादलों बालों वाले जैसे बादल लगते हैं, गुब्बारे से गालों वाले, और कुछ बादल तो ऐसे लगते हैं जिनके फूले फूले गुब्बारे के जैसे गाल हों, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, और बादल कैसे लगते हैं जैसे आसमान में दौड़ रहे हों, कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से इधर आ रहा है, और झूम झूम कर काले बादल, और हमें काले बादल झूमते हुए नजर आते हैं आसमान में। कैसे झूमते हुए, कुछ तो इधर को जा रहे हैं, कुछ उधर को जा रहे हैं, मतवाले बादल, है ना, मतवाले मतलब जिसका जहां मन करे उधर को चल जाते हैं, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ बादल ऐसे लगते हैं जैसे जोकर की तरह तोंद फुलाकर खड़े हों, और कुछ ऐसे लगते हैं जैसे हाथी की तरह सूंड उठाकर खड़े हों, और कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, कुछ ऐसे लगते हैं हमें बादल जैसे ऊंटों की तरह कुबड़ हो उनकी, ऊंट की कुबड़ किसे कहते हैं, जो ऊंट होता है उसकी पीठ होती है इस तरह से, और ये पीठ का जो ऊंचा ऊंचा हिस्सा होता है इसे कुबड़ कहते हैं। ठीक है बच्चों, और फिर ये कहते हैं कुछ परियों से पंख लगाए, कुछ बादल तो ऐसे लगते हैं जैसे ये परियों की तरह पंख लगाकर खड़े हों, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपस में टकराते रह रहे बादल कैसे लगते हैं जैसे आपस में टकरा रहे हों, कुछ बादल इधर से आते हैं, कुछ बादल इधर से आते हैं, और ऐसे लगता आपस में टकरा रहे हों,
और फिर ये कहते हैं शेरों से मतवाले बादल, शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ बादल हमें बहुत तूफानी लगते हैं, जो एकदम काले हो जाते हैं ना बच्चों, ऐसा लगता है वो बादल बहुत ही तूफानी हैं। तूफानी वो कैसे हो जाते हैं? क्योंकि वो लगातार पानी बरसाते हैं। और कुछ रह रह करते शैतानी, बादल कैसे शैतानी करते हैं? जब वो बारिश करते हैं, गरजते हैं, है ना, और बिजली चमकती है, तो ऐसा लगता है बादल शैतानी कर रहे हैं। तो बच्चों फिर कवि कहते हैं कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। कुछ अपने थैलों से चुपके, ऐसा लगता है जैसे बादलों के पास थैले हों और वो अपने थैलों से चुप चुप के हमारे ऊपर पानी बरसाते हैं। फिर लिखा हुआ है नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल कभी किसी की नहीं सुनते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप बोलोगे बादल भैया बरसात बंद कर दो और वो आपकी सुन दे। वो किसी की नहीं सुनते हैं और ढोलक ढोल बजाते बादल। बच्चों इस कविता में ढोलक ढोल बजाने का मतलब है कि बादल जब गरजते हैं, गर्जना होती है ना, बिजली चमकती है, कैसी आवाज आती है, गड़ 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 गड़, तो उसे कहते हैं, ऐसा लगता है बादल ढोलक ढोल बजा रहे हों। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कवि ने रह रह कर छत पर आ जाते फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बच्चों जब कोहरा लगता है बरसात के दिनों में तो ऐसा लगता है कि बादल हमारे छत के ऊपर आ गए हों, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, फिर ऐसा लगता है बादल धीरे धीरे ऊपर की तरफ उड़ गए। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बादल जिद्दी कैसे बनते हैं बच्चों? जब लगातार बारिश होती रहती है, ठीक है, और जब लगातार बारिश होती है तो नदी नालों में क्या होती है, बाढ़ आ जाती है, पानी बढ़ जाता है, और कभी कभी तो गाड़ियां घर भी बह जाते हैं, लोग भी बह जाते हैं। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। फिर भी बादल बहुत भले लगते हैं, प्यारे से लगते हैं ना, मन के भोले भाले लगते हैं। और ये कविता थी आपकी, इसे आप लोग याद करोगे। और अब आप लोग फटाफट मेरी वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी सेंड कर दो। थैंक यू।